अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़िशान फ्रॉम टेक्निकल जी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आपको तो पता है हम डेली बेस में स्मार्टफोन सब यूज़ करते हैं, तो ये होता है कि हम लोगों के हाथ में कीड़ा होता है, अगर मोबाइल किधर उधर गिर जाता है तो उसकी स्क्रीन टूट जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें मोबाइल की परवाह नहीं होती, हमें होती है उसमें जो अंदर पड़ी हुई डेटा है। तो ऐसे में क्या होता है कि स्क्रीन जब तक बंदा बनवाए उसमें 6-7 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। लेकिन आज की वीडियो में आपको ऐसे बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास पीसी है, अगर आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, अगर आपकी स्क्रीन बिल्कुल डेड हो चुकी है, बस आपको इतना पता होना चाहिए यार वो ऑन हो रहा है, मतलब उसका पैनल किसी काम का नहीं है, सिर्फ मोबाइल ऑन हो रहा है, बस इतना होना चाहिए। क्योंकि आज वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ कैसे आप अपना मोबाइल ऑन स्क्रीन मतलब पीसी में कैसे चला सकते हो, जो भी आपकी सारी डेटा होगी या एक्स वाई जेड कुछ भी, मतलब आप सारा कंट्रोल इस स्क्रीन पर कर सकते हैं, अपने मोबाइल और पीसी को एकदम कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मैं आज की वीडियो में समझाने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी से करना, 100% वर्केबल है, क्योंकि मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाके लाइव आपको करके दिखा रहा हूँ कि भाई कैसे होगा, और सारी सेटिंग्स मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे कैसे, मतलब कौन कौन सी सेटिंग्स वगैरह ऑन करनी पड़ती हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो यार ऐसे ही चलते चलते इस वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, उसके अलावा मेरे चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दो। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यार सबसे पहले मैं अभी क्या करूंगा, अपने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है पीसी की अलग कर रहा हूँ और ये आपको लाइव में ठीक है ना अलग दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरी जो रिकॉर्डिंग है पीसी की वो चालू है, और मैं उससे पहले ये करूंगा कि अपने जो मेरा पीसी है इसमें सबसे पहले मैं करूंगा नेट कनेक्ट, ठीक है, यूएसबी टेथरिंग ऑन करूंगा मैं इसकी, क्योंकि मुझे आपको कुछ एप्लीकेशन वगैरह बतानी है जो आपको डाउनलोड करनी है लाजमी से, ठीक है। नेट मैंने जो है ना अभी कनेक्ट कर ली है, तो आपको सिंपली करना क्या है कि अपना ब्राउज़र क्रोम ब्राउज़र जो है वो आपको, तो यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है क्रोम ऐप्स। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले जो है ना इसका वेब स्टोर आ जाएगा, वेब स्टोर पर आपको जाना है सिंपली, ठीक है। अब मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो सब बता रहे हैं, और ये वर्केबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पर एक एप्लीकेशन सर्च करो जिसका नाम वाइजर है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे सर्च करोगे तो आपको नहीं, तो आपको सिंपली करना क्या है कि ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी, आपको नया टैब आपको ओपन करना है, उसके बाद जो है सिंपली आपको यहाँ पर अपना वाइजर जो एप्लीकेशन है वो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है। मैं आपको ए टू जेड सारी चीज़ें इसकी समझा रहा हूँ, आपको इंस्टॉल कैसे करना है और उसके अलावा डाउनलोड कैसे करना है। आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर डाउनलोड वाला ऑप्शन है, और दोबारा आपको विंडोज़ पर क्लिक करना है, तो मैंने डाउनलोड कर ली है ऑलरेडी। मैं आपको चल के यहाँ पर दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पर इसको डाउनलोड करके रखा है, ठीक हो। ये मेरा सिंपली वाइजर ये डाउनलोड हुआ हुआ पड़ा है, मैंने इसको क्या किया कि इंस्टॉल वगैरह हर चीज़ कर ली, और उसके बाद मैं आपको सिंपली ऑन करता हूँ। और मैं यहाँ से अभी डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कि फिलहाल एक से स्मार्टफोन से वीडियो भर रही है, और दूसरी मैं इसमें आपको सिंपली कनेक्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैं इसको सिंपली इसका नेट जो है वो डिसकनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं इसको सिंपली अभी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे जैसे ये ओपन होगा तो मुझे सबसे पहले इसमें डेटा केबल कनेक्ट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसमें सिंपली निकाल के दोबारा कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इस पर कनेक्ट किया तो यहाँ पर व्यू डिवाइस, ठीक हो गया। अब यहाँ से मुझे उसको ओके करना है, जैसे ओके हो गया, क्योंकि आपकी अगर स्क्रीन बिल्कुल डेड भी हो ना तो आपको ओके का बटन भाई पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, क्योंकि बंदा जब स्मार्टफोन डेली बेस में यूज़ करता है तो उसको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। अब देखो इसमें जो है ना ऑटोमेटिक वाइजर जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक इसमें हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जो भी मैं सारी चीज़ें अपने माउस से जो है ना अपने पीसी से, यहाँ पर देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ये सामने एप्लीकेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैं बिल्कुल भी स्मार्टफोन को टच नहीं कर रहा, और मेरी सारी चीज़ें यहाँ पर भी चल रही हैं, ओके हो गया, और सामने स्क्रीन पर भी चल रही हैं। अब ये होगा कि मेरे पास अगर ज़ेपिया वगैरह एप्लीकेशन, जैसे कि मुझे डेटा वगैरह अपनी अगर इतनी मेरी अहम है, कोई भी चीज़ मुझे निकालनी है, या किसी की भी तरफ मुझे व्हाट्सअप वगैरह करनी है, तो सिंपली मैं यहाँ से अपना व्हाट्सअप एप्लीकेशन चला के ईच एंड एवरीथिंग में सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकता हूँ। सिंपली मैं आपको कोई वीडियो चला के दिखाता हूँ, वीडियो किधर गया मेरा यूट्यूब, ठीक हो गया, यहाँ पर ये यूट्यूब आ गया, और सिंपली अगर मैं यहाँ पर सर्च कर लूँ, या मैं यहाँ पर अगर अपनी ही कोई वीडियो चलाता हूँ, तो ये देखो मैंने जो अभी 3 घंटे पहले अपनी वीडियो अपलोड की है, तो ये सिंपली यहाँ पर देखो ये चल जाएगी, आवाज़ यहाँ से आएगी और यहाँ पर भी चलेगा, ठीक हो गया, आवाज़ यहाँ से आएगी, इसका माइक जो है ना वो चलेगा, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इजीली दिखाई देंगी। तो सिंपली यार आपको करना क्या है कि यार मेरे चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दो। उम्मीद करता हूँ कि जो है ना आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी, और यार सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता चलूँ कि आपको एक सेटिंग है जो ऑन करनी है डेब्यूगिंग, ठीक है, उसका नाम कुछ ऐसा है।
तो वो कैसे ऑन करते हैं इसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाली है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, जाओ और छोटी सी शॉर्ट वीडियो है, मैंने उसमें सारी चीज़ें मैंने उसमें समझाई है, सिंपली जाके आप वो देखो वीडियो, क्योंकि वो अगर आप सेटिंग ऑन नहीं करोगे तो ये चीज़ें आपको कुछ भी नहीं होगा, तो जाओ सिंपली से उस वीडियो को भी देखो। तो यार कैसी लगी आपको वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो होगी आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो यार, लाजमी से 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो इंशाल्लाह, अगर मेरे जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर हो गए, अगर आपके भाई के जेब में पैसे हो तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा गिव अवे आएगा, नहीं तो फिर भाई 100K तक इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगा। बहुत सारे गिवअवेज मैंने सोचे हुए हैं कि यार मतलब इतना जो मेरा एक लाइफ टारगेट रखा हुआ है कि भाई मेरे इतने सब्सक्राइबर इस पर ये गिव अवे होगा, ये गिव अवे मतलब एक्स्ट्रा जेड कुछ भी मैं कर सकता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं, नहीं तो ये होगा कि भाई सिंपली मैं आपकी जो भी मतलब अच्छे अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब पर, जो भी मतलब उनके सब्सक्राइबर समझ रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हम मेहनत कर रहे हैं, तो ये होगा कि मैं सिंपली उनको हल्का फुल्का शाउट आउट दे दूंगा। तो प्लीज़ ये होगा कि इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दो अपना नाम या अपने चैनल का नाम आप सिंपली कमेंट कर दो, क्योंकि मेरे 1K इंशाल्लाह बहुत ही जल्द होने वाले, तो फिर लाइव में जो है कमेंट पिकर जो एक साइट होती है क्रोम पे जाके, जिसका भी कमेंट में उसका नाम है इंशाल्लाह मेरे 1K स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा और उस पे उसके चैनल को मैं प्रमोट करूंगा इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है आपसे। इस वीडियो के नीचे अपने चैनल का नाम या कोई भी एक्सरसाइज आप कमेंट कर दो और लाइक लाजमी से करना है, मेरे चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं जिस दिन ये वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए, उसके लिए आपको बेल आइकन ऑन करना पड़ेगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। तो यार चलते चलते मैं आपको इन साहब का इंट्रोडक्शन करवाता चलूं, क्योंकि ये मेरा सर खा गया है भाई, ये भी नए यूट्यूबर बन रहे, शक्ल देखो इसकी यूट्यूबर बनेंगे सारे। तो ये है ना कि भाई को जो है ना, छोटे भाई हैं मेरे, इनको सब्सक्राइब करना है, इनका चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अभी बैठ के मैं जो है इनका चैनल बनाऊंगा और ये गेमिंग करेंगे उस पर, लाजमी से जाके इसको सपोर्ट करो, ठीक है? कुछ बोलना है? क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँगा, बाप का नाम बोल दे।